हमें वहां जाना है। हाँ ठीक है चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी। हाँ। वक्त हो गया है, नमाज पढ़ना है, मैं दरगाह से होकर के आता हूँ। हे अल्लाह रहम करना। कोशिश कर रहे हैं लेकिन उलझने बढ़ती जा रही है, इसे संभालना मुश्किल हो गया है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। क्या हम शहर के किसी अस्पताल में उसे ले जा सकते हैं? फिक्र ना करो, जो इस दुनिया में आ रहा है वो चांद से उतरा हुआ शेर दिल है, वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा। आप बेफिक्र होकर अंदर जाओ। ठीक है। हाँ? अल्लाह मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि तुमने कहा था, शेरे दिल इस जहान में आ गया है। अब जल्दी से इसे एक अच्छा नाम दे दो। अल्लाह खुदा ने अपनी रहमत बरसाई है और हमें यह औलाद तोहफे में दी है। इसका कुछ नाम सोचा है आपने? दाऊद मेरे अब्बू का नाम था और उनकी यह ख्वाहिश भी थी। मेरे अब्बू भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी भी यही तमन्ना थी कि मैं मेरे होने वाले बच्चे का नाम मेरे अब्बू के नाम पर रखूं, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं। चलो वो भी रख लेते हैं, इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम। मैं ही पुलिस रहूंगा और तुम लोग चोर बनोगे। जैसा कहता हूँ वैसे ही करना होगा। हर किसी को चोर बनाकर खुद पुलिस बनता है, लेकिन इस बार नहीं, हमें मंजूर नहीं है। चल चल हट। समझते क्या हो? तुम्हें पता भी है कि लोग हमारे खानदान की कितनी इज्जत करते हैं? क्या तुम लोफर बनना चाहते हो जो फिल्म देखकर खुशी से कपड़े उतार देते हैं? मेरे हीरो की फिल्म थी पापा, और उसमें वो पुलिस वाले बने। तुम्हारा हीरो और कौन है वो? क्या कहा, आप नहीं पहचानते? वो जो है ना, ऊपर वाले का भेजा हुआ फरिश्ता है। अच्छा, तुम्हें वो एक फरिश्ता लगता है? बहन ने जो कहा वो बिल्कुल सही है।
वो फरिश्तों से बिल्कुल कम नहीं है और ऊपर से वो मुसलमान भी है। अजान का वक्त हो चुका है, मैं अभी मस्जिद जाकर आता हूँ। ये खुद को जान पाता उससे पहले ही इस बच्चे के दिमाग में पुलिस का जुनून सवार हो गया है। ये वो नहीं करेगा जो हम कहेंगे। इसकी किस्मत में लिखा है पुलिस ऑफिसर बनना, तुम क्या कहती हो? किस्मत के आगे किसका जोर चलता है? दाऊद इब्राहिम ये भी पुलिस में भर्ती होगा? कौन है ये दाऊद इब्राहिम? मेजरमेंट्स ले लो। 38 अच्छा। क्या हुआ बताओ? मेरे कुछ प्यादे मर भी जाए हजारों फिर पैदा कर सकता हूँ, पर तभी ना जब तुम जिंदा रहोगे वास्को। मैं हूँ वास्को, तुम्हारे टांगों के नीचे की जमीन पर ही नहीं पूरे कोलनहल्ली पर राज करता है वास्को। पीटर। यस बॉस। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे कुछ दे मुझे कुछ दे। सर सर। परदेसी जाना नहीं, मुझे कुछ दे मुझे कुछ दे मुझे कुछ दे मुझे कुछ दे। आ गया, अगला स्टेशन है। अरे सर कुछ देकर तो जाओ, कंजूस कहीं का। मैडम यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा। सर। यस। वेलकम टू कोलनहल्ली सर, आई एम सरीना राउत। सर जी जो ट्रांसफर हुआ है आप वही इंस्पेक्टर हो ना? वेलकम। आपको देखते ही मुझे पता चल गया मैं एंजल मेरी हूँ, पीसी पुलिस कांस्टेबल। ये कुट्टन पिल्ले हेड कांस्टेबल। हमें यहाँ से काफी दूर जाना है तो फिर चलें सर। तो जीप कहाँ है? जीप? हाँ आइए।
सर आपके जीप से ज्यादा कंफर्टेबल है मेरी ये प्यारी सुंदरी। ये क्या नए साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं? सुनो यहाँ से कितनी दूर जाना है हमें? सर अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो रेलवे स्टेशन से पुलिस स्टेशन तक का 45 किलोमीटर का सफर है सर। आसपास यहाँ कोई घर या दुकान नहीं है? सर वेलार कैंडी से कोलन हल्ली तक अगर कुछ मिलेगा तो वो है सांप मोर और खरगोश जैसे जानवर। अब ऐसे जहन्नुम में और कौन रह सकता है सर? क्या कहा जहन्नुम? यस सर इस जगह में विकास का शब्द किसी ने सुना ही नहीं है सिर्फ मेरे अलावा। यहाँ सिर्फ एक कोऑपरेटिव बैंक एक अस्पताल और एक स्कूल है जिनका रहना नहीं रहना बिल्कुल एक बराबर है सर। और सर एक पुलिस स्टेशन भी है आप इनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसा होगा। जरूरत से ज्यादा नहीं बोल रहा है सर। कोलन हल्ली में इसी का टेम्पो चलता है इसीलिए भाग रहा है। सर पास में मंगलापुरम जगह भी है आपका यहाँ आना यहाँ के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा सर। अब गपशप करने के लिए कोई तो है? सर केला खाएंगे? नहीं चाहिए। केरला कर्नाटका के बॉर्डर पर एक खतरनाक जगह है। कोई भी नया ऑफिसर वहां पर टिक ही नहीं पाता है। अजीबो गरीब लोगों के ट्रांसफर होते हैं वहां पर। पुलिस और पुलिस स्टेशन की कोई भी इज्जत नहीं करता है वहां पर। एंड इफ आई एम करेक्ट पिछले 15 सालों से वहां कोई पोस्टिंग नहीं हुई है। सर यही है हमारा पुलिस स्टेशन अपना।